सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह पर अभी भी सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। शिवराज को उन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए जो मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के सिर से नहीं उतरा सत्ता का नशा। प्रदेश को कलंकित करने वालों के खिलाफ करें धरना। बदनाम करने वालों के खिलाफ चुप है शिवराज। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी और खास तौर से शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। हनी ट्रैप मामले में गोविंद सिंह ने कहा है कि भाजपा ने पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। शिवराज सिंह को हनी ट्रैप के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह के कुकृत किए हैं, उनके बारे में शिवराज सिंह से मैं अनुरोध करता हूँ, तो आप उनके ऊपर धरना दें, उनके गिरफ्तारी की मांग करें और कम में उनके साथ धरना देने में उनके साथ धरने पर बैठने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, गोविंद सिंह ने सिंधिया के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने सरकार के सर्वे पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100% सहायता देंगे, हम क्षतिपूर्ति देंगे, तो जब पूरा का पूरा जिले दो नीमच और मंदसौर जिले तबाह हो गए, किसानों की फसल बची नहीं है, तो अब सर्वे तो जब होता है कि आधा हो आधा नहीं हो, जब 100% है, चौतरफा खेत में पानी भरा हुआ है तो पूरी फसल नष्ट हो गई। हनी ट्रैप मामले में 20 घंटे में SIT चीफ बदलने पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि नए अफसर ज्यादा योग्य अनुभवी और बेदाग हैं। तो भाई इससे भी योग्य अनुभवी बेदाग अधिकारी हमारे पास हैं, तो उनको देने में क्या आपत्ति है? वरिष्ठ अधिकारी को दिया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसमें भी कोई नानुपुर सवाल नहीं है। अगर जूनियर को किसी को देते तो सब हो सकता था, किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के उपयोग पर गोविंद सिंह ने एतराज जताया। स्वच्छता अभियान के नाम पर डस्टबिन में लगाना कचरे कूड़ा घर में लगा छापना, शौचालय पर छापना, पेशाब घर में छापना, जहाँ जहाँ गंदी बस्ती है उस पर लगाकर महात्मा गांधी का अपमान है। बेबाक राय रखने के लिए जाने जाने वाले गोविंद सिंह पार्टी के कदावर नेता हैं। अब उन्होंने अपने बयान से सरकार को रास्ता दिखाने का काम किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। अब देखना है कि उनके सुझाव पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।